नमस्कार दोस्तों, हमें पहाड़ी परिवार और आज का ब्लॉग मैं सुबह सुबह शुरू कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5:30। अभी मुझे कू को स्कूल भेजना है रेडी करके, तो मैं उसको रेडी करती हूँ, उसको उठाती हूँ। हेलो कू, गुड मॉर्निंग बेटा, टाइम हो गया स्कूल का, उठ जा बेटा। 5 मिनट क्या होता है, देर हो जाएगी, उठ जा। हम लोग नीचे आ गए हैं, कुहू रेडी है, ये देखो। हाय। यहाँ पर कुहू मंदिर में हाथ जोड़ने के लिए गई है। वो स्कूल जाने से पहले रोज मंदिर में हाथ जोड़ के जाती है, तो अभी टाइम था वैन के आने में, तो हम लोग यहाँ पर बेंच में बैठ गए। आज हम जल्दी तैयार हो गए तो जल्दी नीचे आ गए। कुहू की वैन आ गई है, तो कुहू स्कूल को चले गई, तो अब मैं वापस आ रही हूँ उसको छोड़ने के बाद। तो अब थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक हो जाए, उसके बाद फिर घर जा करके घर के काम होंगे। तो ये देखो सूर्योदय भी हो चुका है, सूर्य भगवान काफ़ी ऊपर आ गए हैं मतलब। तो यहाँ पर अब मेरा वॉक स्टार्ट हो जाएगा। वॉक करते करते मैंने थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया, क्योंकि हरियाली हरियाली हो रही थी, अच्छा लग रहा था। सावन में हरियाली अच्छी लगती है, सब जगह हरियाली हरियाली हुआ भी रहता है इस समय, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ले लेती हूँ। वॉक हो चुकी है, अब मैं घर आ गई हूँ, और अब इस समय टाइम है प्लांट्स में पानी डालने का। तो सुबह ही मॉर्निंग में अगर डल जाता है तो सही रहता है, उसके बाद नहीं तो फिर दिन में तो पानी भी गर्म हो जाता है और दिन में सही भी नहीं है। तो मैं जल्दी से इनमें पानी डाल लेती हूँ। तो गमलों में तो पानी डाल दिया है, तो अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये है स्टेमियो का हेयर ऑयल और ये है हेयर शैम्पू। तो अभी मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, उसके बाद पहले मैं ऑयल लगाऊंगी बालों पे, 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दूंगी, उसके 1 घंटे बाद फिर मैं शैम्पू से वॉश करूँगी। तो चलिए अब इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, स्टेमियो आमला भृंगराज शैम्पू एंड स्टेमियो आमला भृंगराज हेयर ऑयल की। ये सिकाका या आमला रीठा यही सबसे बना हुआ है। मैंने स्टेमियो का हेयर पैक का भी वीडियो बनाया था, आप लोग के साथ शेयर किया था वो, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले हेयर ऑयल को ले लेते हैं, क्योंकि पहले ऑयल करना है बालों में, उसके बाद ही शैम्पू का यूज होगा। तो पहले हम हेयर ऑयल की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखो मैंने बॉक्स खोला तो इसके अंदर से 2 कैप हैं, एक तो बॉटल में लगी हुई है जो नॉर्मल कैप है, और एक ये ऑयलिंग वाली कैप लगी हुई है, तो हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं तेल लगा लेती हूँ बालों पे, तो तेल लगाने से पहले मुझे बाल खोलने पड़ेंगे, तभी तेल लगेगा। तो इससे ऐसे भी हम आप लगा सकते हैं तेल, ऐसे हाथ में लेकर के, और फिर ऐसे उंगलियों से ऐसे ऐसे करके, अगर ऐसे नहीं लगाना है तो हम इसको यूज करके भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम ढक्कन खोल के साइड रख देंगे और इसमें इसको फिट करके इस तरीके से लगा लेंगे। तो अब मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, और उसके बाद स्टेमियो हेयर शैम्पू से मैं बाल धोऊंगी। तो आपको मिलती हूँ मैं बाल धोने के बाद। मैं नहा के आ चुकी हूँ, और मैंने अभी शैम्पू का यूज किया है, स्टेमियो आमला भृंगराज शैम्पू का यूज किया है। मैंने यही ऑयल भी लगाया था और इसी का यूज किया, तो अच्छा है यूज करने में, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये लेना हो तो आप इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों में आप लोग को मिल जाएगा। तो चलो पीहू को स्कूल छोड़ के आते हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मेरा भी सारा काम हो गया है, सुबह का जो भी काम होता है वो सब हो गया है। तो अभी है शाम का टाइम, तो अभी मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बनाऊंगी लौकी की सब्जी, तो फटाफट सब्जी कट करती हूँ, उसके बाद वान्या को होमवर्क कराऊंगी, और तब उसके बाद मैं जाऊँगी सब्जी लेने के लिए। और भी कुछ सामान लेके आना है तो वो सब ले के आऊँगी, तो फटाफट कर लेती हूँ।
अब पीहू करने लग गई है होमवर्क। मैंने आप लोग को बताया था ना कि इसको होमवर्क भी कराना है करके, तो जल्दी से होमवर्क कर ले तो फिर मैं अपना आगे का काम करूँगी। तो अब हम पहुँच गए हैं सब्जी मार्केट में, काफ़ी हरी हरी सब्जियाँ दिख रही हैं। तो क्या क्या सब्जियाँ लेते हैं, क्या क्या मिलता है, अच्छा अच्छा देख रहे हैं तो सब्जी ले लेंगे, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और क्या लेना है करके। तो यहाँ पर हमको मिल गया फूल वाला बैठा हुआ था, तो इससे हमने फूल ले लिए। और फूल के अलावा ज़रूरी था कि बेलपत्र और सावन में जो भी चीज़ें चढ़ती हैं, तो इनके पास मुझे धतूरा भी मिल गया था, तो मैंने धतूरा भी ले लिया और बेलपत्र ले ली, फूल ले लिए सारे। तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमको आगे क्या मिला, ये देखो हरी हरी चूड़ियों से सजी हुई दुकान है और कड़े अड़े सब काफ़ी सामान था यहाँ पर। तो हम लोगों ने हरी चूड़ियाँ ले ली, सावन में तो हरी चूड़ियाँ ही पहनी जाती हैं। ये प्लेन ग्रीन 40 रुपये डिब्बा, दे देना 200 का एक डिब्बा। तो ये वाली चूड़ियाँ फाइनल करके हमने चूड़ी ले ली थी। तो उसके बाद फिर और देख रहे थे कि अब क्या लें और क्या क्या है करके, तो फिर इसमें नज़र गई कि मेहंदी भी है यहाँ पर, तो फिर मेहंदी की कोन भी ले ली। तो मार्केट से घर पहुंच चुकी हूँ, सब्जियाँ जो लाई थी सब्जी फल वो मैंने सब साइड रख दी है, वो क्या दिखानी है, सबके एक ही जैसी होती हैं। और मैं जो कुछ सामान लाई, एक तो ये है बेलपत्री और धतूरा फूल, क्योंकि सावन स्टार्ट हो चुका है। तो और अपने लिए भी लाई हूँ कुछ, ये हैं चूड़ियाँ और ये हैं कड़े, और मैं मेहंदी भी लाई साथ में, दो दो मेहंदी की कोन लाई हूँ क्योंकि बच्चों को चाहिए दो दो, एक से नहीं होता है। तो अब मैं पहन के दिखाती हूँ आपको चूड़ियाँ, ठीक है। तो आप लोगों को भी सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से सावन मनाइए। और मैं इसी के साथ अपना आज का वीडियो खत्म करती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।